चाइना माइन गेंदबाज कुलदीप यादव को पूरे वनडे सीरीज में बेंच पर ही बैठना पड़ा। कुलदीप टीम के साथ तो गया लेकिन एक भी मैच में खेलने का मौका उसे नहीं दिया गया। शिखर धवन ने तीसरे वनडे मैच में भी इस खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं दिया। शिखर धवन ने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया और बतौर स्पिनर युजवेंद्र चहल और वांशिकरण सुंदर के साथ ही उतरने का फैसला किया। ऐसे में कुलदीप यादव को बिना मैच खेले ही अपने देश लौटना पड़ा। अगर कुलदीप यादव के करियर की बात करें तो कुलदीप अभी 27 साल के हैं। उन्होंने 2017 में अंतरराष्ट्रीय में पदार्पण किया था। इस चाइना माइन स्पिनर ने अभी तक 7 टेस्ट और 72 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट मैच में 26 और वनडे में 118 और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 44 विकेट झटके हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 126 विकेट हैं। इतना ही नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट में एक फतक और 6 अर्धशतक की बदौलत कुलदीप 34 मैचों में 874 रन भी बना चुके हैं।